डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? डाउनलोड नहीं, मैं बस ऐसे गूगल इमेज देखो या यूट्यूब वीडियो चलाओ, तो करने में ये डाउनलोड तो क्यों करना है। डाउनलोड ऐसे ही मांग रहा है ना, ये तो वेबसाइट खुला है माइंडमो। वेबसाइट खोले, वही गूगल इमेज खोल दो, माइंडोमो माना कि गूगल इमेज से पता चल जाएगा, कुछ आइडिया आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, तो एक यूट्यूब वीडियो चलाओ, माइंडोमो YouTube वीडियो ट्यूटोरियल ऐसा कुछ। प्रॉपर तरीका से यूज करेगा तो बहुत टाइम बचता भी है, रिवीजन करने में बार बार पढ़ना नहीं पड़ता पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट ए माइंडमो मैप ट्यूटोरियल, ये वाला हाँ ये यही वाला देख रहा था मैं। अरे कोर्स रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या? 174 एक्सेल फॉर्म मैं कर लिया। मिलाज क्या क्या ले रहे हो? इट यस नाउ यू कैन यूज वन कौन सा प्रोजेक्ट? मीडियम प्रोजेक्ट और हाउ टू क्रिएट माइंड मैप यूजिंग माइंडडोमो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो ऑन माइंडडोमोस वेबसाइट एंड सही है, तुम्हारा डेटा मिल गया क्या मीडियम प्रोजेक्ट के लिए? देयर आर टू वेज टू क्रिएट डेटा मिल गया मीडियम प्रोजेक्ट के लिए। द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट, यू कैन चूज वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ। अरे मैं भी उसी डाउट में हूं कि डेटा अभी तक मिला नहीं, रजिस्टर करूं या ना करूं। सेकंड ऑप्शन इज टू क्रिएट अ माइंड। अरे भाई पहले रजिस्टर करो, बाद में देखेंगे। अच्छा वैसे है ना कि अगर सिस्टम ने सनी थोड़ा बताओ कौन कौन से तुम्हारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं ऑलरेडी? प्रोग्रामिंग सारा खत्म करा, प्रोग्रामिंग के सारे कोर्सेस हो गए, कोर्सेस और प्रोजेक्ट सब हो गए। प्रोग्रामिंग में छह थ्योरी कौन कौन से हैं? एक तो बताना डीबीएमएस, जावा और सी, सिस्टम कमांड। अच्छा, और प्रोजेक्ट में क्या क्या है? एडम प्रोजेक्ट, मैटो प्रोजेक्ट, दोनों हो गए। मैडम और एडम में सिर्फ बैकएंड होता है, क्लास सर्वर का यूज करके और बैकएंड बनाना होता है। बैकएंड सही, तुमको वहां पे फ्रंट एंड भी रन करना होता है। और मैटो में क्या होता है, मैटो में अगर सही बताए सर्वर के रूप में कंपेयर करें तो 4 गुना बढ़ जाता है मैडम के, क्योंकि उसने कहा था सैलरी का 2 सर्वर होता है और एक सर्वर होता है फ्रंट एंड का, एक सर्वर होता है इसका बैक एंड का जो कि होता है फ्लास्क, और एक और सर्वर होता है रेडिस। ये 5 सर्वर आज नहीं चाह रही हूँ। सिस्टम हो गया क्या प्रोग्रामिंग का? मिक्स नहीं किया तुम क्या? और डिप्लोमा मिक्स नहीं किया ना, अकेला अकेला कर रहे? नहीं, क्या बोले एक बार बोलो। डिप्लोमा में कोर्सेस प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस मिक्स नहीं किया ना तुम, पहले प्रोग्रामिंग खत्म किया, सेम कर रहे हो फिर कैसे खत्म हो गया 2 टर्म में तुम्हारा? फर्स्ट टर्म में लिया था मैं 3 कोर्स 1 प्रोजेक्ट, सेकंड कोर्स में स्टार्ट में लिया था 4 कोर्स 1 प्रोजेक्ट। ओके ओके भाई समझ गया। तो नहीं तुम्हारी आवाज थोड़ा दूर जा रही है, अगर ईयरफोन आया तो थोड़ा पास में कर लो। ये बताओ कि मैडवन में क्या है, थोड़ा सा क्लियर, जिसको कुछ नहीं पता है उसके उसको भी समझ में आ जाए कि मैडवन प्रोजेक्ट में क्या होता है। और बन गया, रोटी बन गया मेरा, बस आप बता रहे हो। अच्छा, ठीक है कर लो कंप्लीट। तब तक मनोरंजन तुम्हें कुछ पता है कौन सा प्रोजेक्ट हुआ कोई बताओ जरा उसके बारे में? हाँ बोलो अभी हो गया। अरे हाँ ठीक है, हाँ पहले सनी बोल दो। तो मैडवन क्या है, मैडवन में सिर्फ वो लोग सिखाते हैं फ्लास्क, फ्लास्क हाँ फ्लास्क पाइथन की एक लाइब्रेरी है फ्लास्क, जो कि सर्वर आपको एक सर्वर का सर्विस देता है, मतलब सर्वर का उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया गया है जिससे सर्वर रन कर सकते हो। तो सर्वर से हमें क्या करना होता है, जो फ्रंट एंड का फाइल दिखता है कोई भी वेबसाइट देख रहे हो अभी, वो सारा चीज चलता है एचटीएमएल पे। अभी जो नया पत्र है उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन अभी तक जितना दिख रहा है सारा एचटीएमएल चलता है, HTML, CSS, तो इन सब को ये सब बेसिक है वेब का, तो वो थोड़ा सिखाया जाता है विक 1 और विक 2 में, फ्लास्क में मैड 1 में। और उसको
इस फ्लास्क के सर्वर के सहायता से उसको रेंडर कराना होता है वेब पे। सिर्फ इतना सिखाया गया है मैड वन और मैड वन थ्योरी में होगा ना इस चीज। हाँ ये थ्योरी में ही होता है, बाकी प्रोजेक्ट में तो प्रैक्टिकल करना होता है। तो वीक फाइव तक आपको फ्लास्क का सर्वर से कैसे रेंडर कराना है इन वेब को, वेब पेजेस को, वो सिखाया जाता है। वीक फाइव के आगे वहां से आपको क्या सिखाया जा रहा है, वीक फाइव में रेस्ट एपीआई बनाना फ्लास्क का यूज करके। रेस्ट एपीआई क्या होता है कि एक एंड पॉइंट लेकर के उससे हम हर एक चीज का सर्विस यूज कर सकते हैं। अगर कोई मान लो मशीन लर्निंग का काम करना चाहते हो सेम ऐप से, जैसे कि हमने एक बैकएंड का पूरा बना लिया जहाँ से डेटा बेस रखा है हमारा, उसका वहाँ से डेटा निकालेंगे। अब अगर चाहते हो कि हम कुछ एआई उसमें एआई इंप्लीमेंट करें, सेम एपीआई का यूज कर सकते हो एआई में, सेम एपीआई का यूज कर सकते हो फ्रंट एंड में काम करने के लिए, सेम एपीआई का यूज कर सकते हो कहीं और जरूरत डेटा निकालना हो। इसकी वजह से उसको मतलब इस चीज को हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई, जहाँ से हम हर एक चीज को लिए रास्ते खोल देते हैं। तो ये सिखाया जाता है वीक फाइव के ऑनवर्ड्स। ओके तो ये मैडोन का प्रोजेक्ट तुमने तो फिर सेकंड टर्म में लिया होगा? नहीं नहीं मैंने लिया था वो साथ में। मैडोन थ्योरी प्रोजेक्ट साथ में ले सकते हैं? हाँ परिक्यूटी जाता है। ओके तो जैसे थ्योरी का जो टाइमलाइन होता है, जब हमारा टर्म रजिस्ट्रेशन शुरू के 3 महीने का होता है, तो प्रोजेक्ट भी सेम टाइमलाइन होता है या कुछ अलग है टाइमलाइन? नहीं जब मैं मैडोन का प्रोजेक्ट लिया था उस टाइम टाइमलाइन चेंज था। टाइम था कि आधा मैच मतलब वीक ये क्या बोलते हैं क्विज वन के बाद से टाइम उसका टाइमलाइन स्टार्ट हुआ डेडलाइन। ओके उसके बाद जब मैं मैट टू लिया इस टाइम उन्होंने रूल चेंज कर दिया और इस टाइम से अभी भी रूल वही चल रहा है। वो ये चल रहा था कि हर 15 डेज पे कोर्स स्टार्ट होने से हर 15 डेज पे सब कोर्स स्टार्ट होने से नहीं लेकिन मंथ के हर 15 डेज पे वो लोग एक स्लॉट बना दिए हैं कि इस स्लॉट में तुम सबमिट करो। जैसे 15 फेब होगा फिर लास्ट 29 फेब फिर 15 मार्च 15 फिर 30 मार्च ऐसा होगा। तो ये स्लॉट हो गया, अगर एक स्लॉट में हो गया तो करो सबमिट करो, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट स्लॉट में, नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट स्लॉट में, ऐसे करते करते अगर तुमसे नहीं होता सीधा तो नेक्स्ट टर्म में वो आगे कर देते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, एक सिर्फ एक ही बार चांस देते हैं। मतलब मिनिमम आपको 15 दिन मिलता है और मैक्सिमम 2 टर्म? हाँ मतलब 15 दिन में भी सबमिट कर सकता है कोई, जैसे कोर्स स्टार्ट हुआ हो तो उसके बाद 15 दिन बाद। हाँ अगर ये जो मतलब हम क्या किए थे ना मैट टू में, हम जैसे दोनों साथ लिए थे मैट टू का प्रोजेक्ट और मैट टू की थ्योरी, तो हम मतलब सोचे थे कि पहले ही खत्म करते हैं लेकिन हम फिर बाद में सोचे कि अगर उन लोगों ने कुछ ये कर दिया कि मैट टू का थ्योरी दिया है इससे पहले प्रोजेक्ट का सबमिट कर दिया तो हमने किए, हम कुछ अलग दिमाग लगाने लगे कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए तुमको वो देता है डॉक्यूमेंटेशन, फ्लास्क का भी डॉक्यूमेंटेशन, वहां से हम बस उठाते थे पढ़ते थे कैसे क्या हो रहा है और उसको लेके इंप्लीमेंट करते थे। हम थ्योरी नहीं, अब मैट वन का और मैट टू का आज तक लेक्चर नहीं देखे, एक लेक्चर नहीं देखे। ओके और इसके वजह से मेरा मैट वन मैट टू में मार्क्स खराब है, हमको सिर्फ चेंज नहीं दे रहा, बस हमारा प्रोजेक्ट अच्छा गया है, प्रोजेक्ट में मतलब फुल मार्क्स मिला है। अच्छा प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का होता है इस बार? और ये चेंज कर दिया रूल कि अगर एंड टर्म से पहले का जो साइकिल चल रहा है, जैसे 15-30 का जो साइकिल चल रहा है, अगर एंड टर्म से पहले का तो टाइम तक हमको मतलब 120 के बेस लेकर के, मतलब मैक्स मार्क होता है 120 उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर इसके मतलब एंड टर्म के बाद सबमिट करते हुए फिर एंड टर्म के आसपास उस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि 100 मार्क्स पे ग्रेड कर रहे हैं। का मतलब क्या नहीं समझ में, इंटर्न से पहले या इंटर्न तक करते हैं तो ये 120 है ना? जैसे कि मान लो सिस्टम में क्या हुआ था, सिस्टम में 24th को था राइट, और 15th दिसंबर तक अगर आप सबमिट कर देते हो 15 दिसंबर तक तो आपका जो मार्क्स ग्रेडिंग होगा वो होगा 120 तक। अच्छा। अगर उसके बाद डेट करते हो तो डेट
तो यही कुछ इस बार भी कुछ डेट बता देंगे और मिलने अभी जब स्टार्ट नहीं होगा तो। ओके तो ये जो प्रोजेक्ट होता है इसका जो मतलब होता है प्रोजेक्ट का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें मिल जाता है एक ये होता है या कुछ ऑप्शन होते हैं इसमें? प्रोजेक्ट स्टेटमेंट वो एक पोर्टल खुलता है आपको साइट में दिख जाएगा डिप्लोमा में अगर आप आए हो तो आपको साइट में दिख जाएगा पोर्टल अगर सिस्टम पे हो तो खोल के दिखा सकते हो क्या कैसा होता है प्रोजेक्ट दिखता है कैसे क्या सबमिट करना होता है कुछ दिखा सकते ब्लर आ रहा है ना ब्लर आ रहा है अभी नहीं नहीं सही आ रहा है ऐसे दिख जाएगा ये होता है प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड से ओके इसका लिंक मिल जाता है अपने डैशबोर्ड पे वहां से ये मेरा मैट वन का था और ये मैट टू का ऐसे दिखता है अब शायद अभी जब बीटीएम का रजिस्टर होगा तो शायद नीचे जाएगा बोर्ड इसमें क्या प्रोजेक्ट सबमिशन पास 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 क्या लेवल पहले प्रोजेक्ट सबमिशन उसके बाद चेक करते हैं ये लोग कहीं से कॉपी तो नहीं किए कोड इस केस में ये स्टेजिंग पास हो जाता है उसके बाद से वाइबो वन होता है वाइबो वन में सिर्फ वो चेक करते हैं कि जो उन्होंने कोर फंक्शनलिटी यहां पे दे रखा है ये वाइबा जो होता है ये क्या वीडियो कॉल होता है तो ये यहाँ पर ये सारे कोर फंक्शनलिटी इसमें आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए इसमें से एक भी बार तो फेल कर देगा एक भी कुछ नहीं मिला उसको ओके तो और कुछ रिकमेंडेड होता है अगर रिकमेंडेड नहीं करोगे तो मार्क्स वो लोग काट लेते हैं जैसे कि इस टर्म में मैंने एक रिकमेंडेड था उन लोगों का वो नहीं किया था उसके लिए मेरा 10 नंबर कटा है तो ये जो सबमिशन होता है किस फॉर्मेट पर क्या सबमिट कर दिए किसी कौन सा डॉक्यूमेंट ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के सब मतलब इस तरीके का नहीं ये प्रोजेक्ट रूट फोल्डर नाम का एक जिप फाइल होगा उस फाइल के अंदर ये कोड आपका होना चाहिए तब इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ भी करता है बस हाँ ये प्रोजेक्ट रूट फोल्डर होना चाहिए स्क्रीन को दोबारा शेयर करना मेरे को दिख ही नहीं रहा वो ब्लर हो गया मेरे को अच्छा एक स्टूडेंट का डाउट था वो काफी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा था वो लैपटॉप लेना चाह रहा था वो कहीं उसमें मेंशन है कि 8 GB रैम होना चाहिए और कितना SSD होना चाहिए तो ऐसा कोई कंपलसरी है 4 GB रैम और हार्ड डिस्क 500 GB में चल जाएगा कि नहीं सब चीजें प्रोजेक्ट वगैरह मैंने उसको कहा हार्ड डिस्क क्या क्या हार्ड डिस्क बोले हार्ड डिस्क होगा तो आपको रैम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क में हम तो बोलेंगे इस टाइम हार्ड डिस्क कोई आता भी नहीं है तो हार्ड डिस्क यूज कर रहा है तो बहुत उसके पास बोला था कि गवर्नमेंट इशू जो है कोई लैपटॉप है वो सिस्टम उसमें SSD है कि नहीं पता कुछ अगर SSD है नहीं SSD नहीं है वो हार्ड डिस्क है उसका SSD है अच्छा तो 4 GB रैम से हो जाएगा कि नहीं फिर तो लैग करता होगा बहुत लैग करेगा अच्छा अच्छा क्योंकि मेरा था 1 TB का था हार्ड डिस्क और 4 GB का रैम हमने चेंज करवा दिया अच्छा मतलब रिकमेंडेड क्या है प्रोजेक्ट के लिए जो बताया गया है कहीं उसकी 8 GB रैम और SSD होना चाहिए के लिए जो रिकमेंडेड है वो तो प्रोजेक्ट के लिए नहीं है कुछ लाइब्रेरीज है डेटा साइंस में उस टाइम पे दिक्कत होता है तो वो इंपोर्ट नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा डेटा जैसे उसमें डेटा एनालिसिस करना होता है ना बहुत सारा डेटा लोड हो जाता है एक साथ कितने बोल रहे थे MLP में क्या नहीं नहीं MLP में या फिर BDM में नहीं रे MLP में तो उतना स्पेसिफिकेशन जरूरत ही नहीं पड़ते बस कोलैब में हो जाता है MLP में तो ये कैगल है या कोलैब सब ऑनलाइन है वहां सब ऑनलाइन है तो सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा अगर सिस्टम जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा जरूरत पड़ेगा मैट टू में मैट 2 में मेरे को ये पता नहीं मैट 2 में कुछ सर्वर वगैरह लगाना पड़ता है ना लिनक्स का मैट 2 में लोकल का 4 सर्वर चलता है तो 4 सर्वर को एक साथ हैंडल करना दिक्कत होता
ऐसा बोला उसको अभी अभी कौन सा डिप्लोमा है फाउंडेशन में वो डिप्लोमा में जा रहा है फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को जरूरत पड़ेगा ऐसे एमएलपी को जरूरत नहीं है बस मैट टू के लिए अकेले की जरूरत है उतना बड़ा स्पेसिफिकेशन अच्छा अच्छा अगर बोलो ज्यादा क्यूरियोसिटी अंदर है तो अभी चेंज करवा ले तो तुमने सनी मैड वन का थ्योरी और प्रोजेक्ट साथ में लिया था तो उस टाइम सबमिशन कब किए थे तुमने पहले कर दिया था इंटर्म से लास्ट में किया हर बार तो मतलब करता नहीं तो 120 वाला बेनिफिट मिला या 100 में हुआ तुम्हारा इवैल्यूएशन अगर अगर आपको 100 पे मिलता है तो फिर भी आपको परसेंटेज तो 100 पे ही कैलकुलेट होगा मार्क्स कुछ कुछ भी हो पता अच्छा। नहीं लोग ऐसा लगता है कि ये बोनस मार्क है वो उस पे ग्रेडिंग कर रहे थे वो इसलिए 120 का काम आता है वो अगर मान लो तुम क्वेश्चन फिक्स कर लो ठीक है मिडिल क्वेश्चन में नहीं आया लास्ट लास्ट क्वेश्चन में आ गया वो भी ज्यादा ही मार्क्स काउंट होगा ना है नहीं अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन फिक्स कर लो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर 12 फिक्स कर लो 10 मार्क्स ओके अगर बस 10 क्वेश्चन था तुमको मान लो 7th और 8th नहीं आया तो 10 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन नहीं आया तो 80 मार्क्स आएगा लेकिन तुमको 11th और 12th आता था अभी तुमको 100 मार्क्स आएगा ना पूरा अच्छा इसलिए काम आते है वो मतलब मार्क्स में तो नहीं आता था अगर जितना मतलब ये ग्रेडिंग करने में अगर ना मार्क्स में तो ये नहीं आता लेकिन ज्यादा क्वेश्चन है ना अवेलेबल अवेलेबल क्वेश्चन ज्यादा है अभी मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो बोल रहे हो 12 क्वेश्चन है ठीक है लेकिन 12 क्वेश्चन तो हम तब रेफर करेंगे जब हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन तो कुछ ऐसा डिफाइंड हो कि हम आपसे लाइन में लाइन क्वेश्चन ऐसा नहीं है क्या रूब्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है कि इसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं होता वो वाइवा में क्या बोलते हैं सीधा आओ अपना रिक्वायरमेंट दिखाओ अगर सारा है तो पास कर देंगे नहीं है तो फेल कर देंगे सीधा कितने देर का होता है वाइवा वाइवा बनता है आधे घंटे का वाइवा होता है एक घंटे का तो वाइवा तो मैंने बताया ना अभी मैं अभी बताया जो एक्स्ट्रा मार्क्स का बारे में ये बीडीएम और बीए में होता है ये इंटर में इधर हो सकता है इसका सारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर देते हो ना चैप्टर 1 में जैसे कोर रिक्वायरमेंट्स और रिकमेंडेड होता है और ऑप्शनल होता है और तुम अगर फर्स्ट कितना 4 बैच होता है ना 4 बैच होती है 120 के लिए तो उसके अंदर ट्राई करना सबमिट करने को तो तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा कि ऐसा आ जाएगा और लेवल 2 वाइवा भी मतलब बेसिक सवाल पूछते हैं बेसिक मतलब हाँ भाई आप डेप 1 के थ्योरी थ्योरेटिकल और ज्यादातर एक कोड चेंज करने को बोलेंगे अगर तुम खुद के आओ तो वो इजीली हो जाएगा तुमसे बस कोड चेंज मतलब तुम्हें बस काम करना है पाइथन के ऊपर क्लास में ही चेंज करना है बाकी HTML CSS जस्ट थोड़ा सा ठीक है क्योंकि HTML CSS ज्यादातर ही मतलब कॉपी पेस्ट होता है बूटस्ट्रैप से कॉपी करते हो या तो बाहर से कोई कहीं से कॉपी करते हो तो वो इजी रहता है कोई इतना भी लोड नहीं है उसमें इसी वजह से मैंने तुम्हारा मैड वन तुम्हारा हुआ है हां हां मेरा मैड वन हुआ है इसी टर्म हुआ है सितंबर में थर्ड बैच में मैंने सबमिट किया था अच्छा अच्छा तो तुम बताओ मैडोन में तुमने क्या किया था मतलब थोड़ा बताओ उसके बारे में मैंने तो सारा कुछ कर दिया था मतलब एपीआई से लेके और वो फॉर्म जो था फॉर्म क्या था वो मतलब वैलिड करना बैकएंड में और फ्रंट एंड में वो सब कर देना वो थोड़ा सा है मतलब जैसे तुम अगर मतलब मिनिमम लेंथ मिन लेंथ ऐसे डालोगे जैसे एक इनपुट है तो पासवर्ड देना है तुम्हें तो उसमें मिन लेंथ लगा देना वो वैलिड हो जाएगा मतलब एक सिस्टम में आ जाएगा तो ये सब ध्यान रखना और एपीआई भी कर देना वो पूछेंगे कि एपीआई किया तुमने तो अगर तुम एपीआई भी कर दिया ना तो तुम पक्का लेवल 1 में फुल नंबर मिल जाएंगे और लेवल 2 में वही उतना मतलब ठीक ठाक पूछते हैं वैसे ये जो बाबा तोश का था कि इसने वो म्यूजिक वाला ऐप बनाया था ये मैड वन का प्रोजेक्ट था हाँ मैड वन का प्रोजेक्ट था ना
तो इसमें क्या पूरा ऐप बनाना होता है क्या होता है? मतलब ज्यादा तुम्हें HTML CSS में ध्यान, मतलब वो ध्यान नहीं देते, मेन तुम्हारा बैकएंड देखते हैं, ठीक है? जैसे फ्लास्क okay. तुम्हारा लॉजिक okay. क्या लगाया, तुमने कैसे लॉजिक लगाया, और सब सारे जैसे कोई रिक्वायरमेंट्स होगा कि मान लो मैं एक सॉन्ग अपलोड करूंगा, क्रिएटर हूं मैं, तो एक सॉन्ग अपलोड करूंगा, सॉन्ग डिलीट करने का भी होना चाहिए मेरे पास एक्सेस, ये सब होता है, होता है, एडिट भी कर सकता हूँ, ऐसे होना चाहिए. और बाकी तुम HTML CSS तो मतलब एस्थेटिक है, तुम जितना एडिट कर सकते हो तुम्हारा मर्जी है. ओके अच्छा, आपने अभी बोला कि ये वाइवा 1 वाइवा 2 के बारे में, तो वाइवा 1 वाइवा 2 दोनों का मतलब अलग अलग मार्क्स होता है क्या? हाँ, 40-50 होता है. और वाइवा 1 में तो तुम्हारा 40-40 भी आ जाएगा इजीली, अगर तुम एपीआई तक कर लिया ना, जैसे रिकमेंडेंट तक, देखो एपीआई रिकमेंडेंट में आता है, ग्रेडेड भी होता है वो, तो वहां तक अगर कर लिया तो ज्यादा चांसेस है 40, तो मतलब 40 out of 40 आ ही जाएंगे. बाकी लेवल 2 में तुम अगर अच्छा रिप्लाई दे देते हो सही से, तो उसमें भी सही नंबर आ जाएंगे. और इसमें वो भी होता है ना, 120 से मतलब काउंट होता है मार्क, तो इसको आ जाता है वैसे. तो मतलब आपने ये इंटर्न से पहले सबमिट कर दिया था? हाँ, मैंने थर्ड बैच में सबमिट किया था, इंटर्न से बहुत पहले किया था, मतलब 1.5 महीने पहले. मतलब तुमने भी थी प्रोजेक्ट साथ में लिया था? नवंबर 15 था, तो उसी टाइम किया था मैंने. ग्रेड्स आ गए होंगे सब तो आपके? हाँ, आ गए ना ग्रेड्स वगैरह सब आ गए. तुम्हारा भी थ्योरी प्रोजेक्ट साथ में था मनोजन या पहले हो गया? मैंने थ्योरी मतलब मई में लिया था और सितंबर में प्रोजेक्ट लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब थ्योरी मुझे पहले से कोई नॉलेज है नहीं, तो मैं थ्योरी पहले कंप्लीट करूंगा फिर करूंगा. और थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, बट अभी मैट 2 में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसी में म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप ही रहेगा, ठीक है, उसका मतलब सेकेंड वर्जन आएगा, तो इसलिए मैंने लिया है कि हाँ मतलब HTML CSS तो मैंने क्रिएट कर लिया, तो ज्यादा मुझे टाइम भी नहीं देना पड़ेगा. बाकी वो लॉजिक तो पूरा चेंज हो गई मैं 2 प्रोजेक्ट में, तो वो तो कर ही लेंगे, ऐसे भी करना होता है, ऐसे भी तो करना ही पड़ेगा. बट HTML CSS का ज्यादा लोड नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है बेसिक. पर Vue.js में तो HTML तो मैंने हां CSS नहीं करना होता इसमें. मैं 2 में जब तुम बोल रहे हो कि हम HTML CSS कर चुके हैं, नहीं नहीं, अगर अगर तुम नया प्रोजेक्ट में काम करोगे तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें करना पड़ेगा ना HTML CSS में. हाँ, वही बता रहा हूँ, आता है Vue.js. हाँ, तो वो Vue.js में Vue.view नाम के फाइल बनता है. हाँ, अगर तुम वो यूज कर रहे हो तो CLI यूज कर रहे हो तो. हाँ, तो उस टाइम पे तुमको मतलब ये एक फायदा हुआ, कॉपी पेस्ट कर लो वहां से, लेकिन फिर भी उसमें तुमको लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में अलग टाइम लगेगा. फिर तुमको सारा HTML चेंज करना पड़ता है, क्योंकि HTML जो है जो तुम यूज किया होगा अभी वो तुम्हारा HTML, लेकिन उसमें JavaScript से एक्सटेंडेड HTML होता है, वो HTML JavaScript के लिए बना हुआ. अच्छा, मतलब तुम ये बताओ, जैसे मैं मेरा अपडेट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, अब अगर मैं अपडेट 2 प्रोजेक्ट लेता हूँ तो कोई फायदा मिलेगा कि सेम म्यूजिक से नहीं आपने करने का? फायदा ये मिलेगा, तो ये किया था, ये क्या बोलते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट था एक REST API इंप्लीमेंट करना है, ये थे. हाँ, अगर REST API क्रिएट कर लिया ऑलरेडी तब तुमको फायदा मिलेगा कि बैकएंड. हाँ, वो तो मैंने कर लिया था, API भी क्रिएट कर लिया था, सब सही है, फिर तुमको सिर्फ फ्रंट एंड पे ध्यान देना है. अच्छा, हाँ, यही सोच रहा था, अगर फायदा कुछ है नहीं तो मैं फिर अगले टर्म में लूंगा, क्यों इस टर्म में लो लूंगा ज्यादा. लेकिन अभी एक बात और ये ध्यान रखना, अगर उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर दिया चेंज, मतलब कुछ नया चीज लॉजिक कर दिया इंप्लीमेंट, मेरा टाइम सेम यही हुआ था, मुझे लगा था कैसा हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया था लास्ट टाइम जब मेरा मैट 1 था, उस टाइम मुझे 2 रोल पे काम करना था, एक एडमिन एक यूजर, इस टाइम चेंज करके कर दिया एडमिन मैनेजर यूजर, तो हम मतलब पूरा फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर से. अच्छा, देखता हूँ, मैंने अभी तक कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कर लिया जैसे आया. ये बताओ, जो वाइवा होता है वो बिल्कुल 1-to-1 होता है, उसमें और भी लोग रहते हैं? 1-to-1 होता है, 1-to-1 1-to-1. तो इसका मतलब कि जो आपका टाइम होगा बिल्कुल फिक्स टाइम पे आपको ज्वाइन करना होगा,
फिक्स टाइम क्या वो लोग तो लेट कर देते हैं, मैंने तो 10-15 मिनट ऐसे ही वेट किया था वो लेट हुआ है। अच्छा 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 नहीं बस तुम टाइम से ज्वाइन कर लेना, अगर 5 बजे है तो 5 बजे ज्वाइन। जो टाइम का ऑप्शन रहता है हमें चूज करने का कुछ, तुम्हें चूज करने का ऑप्शन आएगा अगर तुम मतलब जिस हिसाब से टाइम चूज करोगे उसी का रहेगा तुम्हारा फाइव स्लॉट। क्या क्या कैसे नहीं जल्दी ज्वाइन करो, तुम्हारा आवाज अरसनी बड़ा मतलब गायब हो जा रहा है। बोला कि हमको भारती में दो बार अटैक कर चुकी थी ग्रुप में, जल्दी ज्वाइन करो। अच्छा अच्छा अच्छा, भारती में वहां प्रेजेंट रहते हैं क्या उसमें? हां ग्रुप में एक्टिव रहती है, कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है, सब आधार अटेंडेंस वही लगाते हैं सर। ग्रुप बोले तो व्हाट्सएप या कहां पे? वो एक गूगल का स्पेस बनता है, गूगल स्पेस, गूगल स्पेस में। अच्छा अच्छा ओके, तो ये हो गया मैड वन एंड। तो ये बताओ मैड वन मैड टू में ओपीपी भी है? मैड वन नहीं, हाँ मैड वन में है आपका, उसको बोलते हैं जीएलए ग्रेडेड लैब असाइनमेंट, तो ओपीपी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ फॉर्म मिल जाएगा वो सब सबमिट करता हूँ। मैड टू में भी है लेकिन वो ग्रेडेड नहीं होता है तो मेहनत नहीं। तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग वाले में ओपीपी है डीबीएमएस पीडीएस और जावा। अच्छा चारों में है सिस्टम कमांड और जावा में भी ओपीपी। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामिंग नहीं करोगे सारे होना चाहिए। शुभांगी पूछ रहे थे क्या इसमें अटेंडेंस हो, प्रोजेक्ट के बारे में वाइवा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 75% अटेंडेंस होना चाहिए। क्या पहले क्या सिस्टम को नहीं आ रहा समझ में? हां तो मत समझ, तुम्हारे लिए नहीं है ये। देख चली गई तुम, क्या बोलती कहाँ कहाँ तुम जो है शेयर करती है सब आ गया। चलो ठीक है कोई नहीं। और मैं ये कह रहा था कि ये बताओ डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग अगर किसी ने पूरा कंप्लीट कर लिया तो वो किसी जॉब के लिए इंटर्न के लिए अप्लाई कर सकता है? फुल स्टैक मतलब वेब डेवलपर के रोल के लिए कर सकता है। अच्छा मुझे एक डाउट है, जैसे तुम देखोगे ना अभी जितना भी मतलब तुम लिंक्डइन पे भी जाओगे जितना मतलब ऐप डेवलपर होंगे फुल स्टैक या तो फ्रंट एंड, तो वो ज्यादातर जेंगो वगैरह यूज करते हैं ना। फ्लास्क मैंने इतना ज्यादा देखा भी नहीं कोई यूज करता हुआ। क्या क्या अरे सुनो तो, हाँ तुमको एक बात ये बता रहे हैं, पूरे वेब डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही चीज चलता है कोर लैंग्वेज। अगर तुमको कोर लैंग्वेज आता है तो कोई भी लाइब्रेरी आराम से। तो अभी देखो ये क्या चाहता है अपने कॉलेज में कि तुमको कोर लैंग्वेज सिखा देगा फाउंडेशन में पाइथन। अब उस पाइथन के अकॉर्डिंग तुमको सिखाया जा रहा है फ्लास्क, मतलब इस कोर लैंग्वेज के लिए ये लाइब्रेरी कैसे यूज करना है वो सीख लो। अब इसके बाद पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरी है, फास्ट एपीआई है, डीजेंगो है, ऐसा बहुत सारा। अगर एक सीख रहे तो तुम कुछ कुछ भी सीख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और करते जाओ और कुछ नहीं। आवाज तुम्हारी कहां चली? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारी, तुम्हारी आवाज कहां चली गई? माइक फेंक दिया क्या? मनोरंजन हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। हेलो हाँ बोलो 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 आ रही है आवाज। हेलो हाँ 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 बता। अरे मैं पूछ रहा था जैसे फ्लास्क हमने सीख लिया तो डीजेंगो वगैरह इजी रहेगा ना सीखने में? कोई भी लाइब्रेरी सीखना तुमको बहुत इजी हो जाता है, जैसे वही सेम है अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हो तो लैंग्वेज सीखना इजी हो जाता है। सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग अगर तुमको अच्छे से क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है पाइथन का, सारे लाइब्रेरी को समझ लो तुम पूरा कमांड बना।
ओके और ये जो अभी रजनीश बात कर रहे थे शुरू में BDM वाला प्रोजेक्ट का, उसके बारे में थोड़ा आइडिया तो बताओ। BDM में सबमिशन तीन टर्म में होता है। तीन टर्म में? हाँ, तीन टर्म मतलब तीन बार आपको सबमिट करना होता है। एक होता है प्रपोजल। ओके, तो प्रपोजल में क्या होता है कि आपने किस कंपनी का डेटा लिया है, कंपनी में मतलब उस कंपनी का डेटा लिया है, उस कंपनी में आप क्या क्या कर रहे हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ लिख दे, कीवर्ड दे देते हैं, के ऊपर आपको उसका प्रपोजल बना के उनको सबमिट करना होगा। वो प्रपोजल अप्रूव कर देंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में आपको करना होता है वो एनालिसिस, पूरे डेटा जो आपने दिया उसका एनालिसिस करना होता है, सारा टूल्स वो पढ़ाते हैं BDM थ्योरी में, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मिड टर्म का जो सबमिशन होता है वो करना होता है। ओके, कुछ मतलब उस टाइम पे ये सबमिशन करना होता है कि आपने इस टोटल पूरे प्रोजेक्ट में क्या उस कंपनी के लिए कमियां ढूंढी है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये करना होता है। और लास्ट टर्म में तब लास्ट टर्म का आइडिया नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि लास्ट टर्म में आपको पूरा वो सबमिशन कैसे आपने उसको सुधारा वो सब देख पता है भाई। BDM का प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा। ये पूरा जो होता है एक ही टर्म में करना होता है? हाँ, एक टर्म में, और नहीं होता तो दूसरे टर्म। ठीक है मनोरंजन, चलो एक टर्म में हुआ दूसरे में भी कर सकते हो। ओके, जैसे सोनन कर रहा है ना इस बार, एक टर्म में हुआ दूसरे इस टर्म कर रहा है। अच्छा, वही प्रोजेक्ट को, तो उसमें कोई मार्क्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो उनको ही पता है, टाइम लगता है बच्चों को फाइंड करने में, थोड़ा टाइम लगेगा ना डेटा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मतलब उसके लिए तो इजी था क्या है बिजनेस को। अच्छा अच्छा, तो अभी हम तो सोचे हैं YouTube पे कुछ पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएं और क्या। हाँ हाँ, तो उसके बारे में बताओ, क्या तुम्हारा प्लान है, क्या करने वाले हो? मेरा प्लान वही है, आपको वो लिंक दिए थे उसमें एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, कुछ कुछ किए थे सुबह करके भेज दिया, और सोच रहे हैं कल पर स्टार्ट करते हैं। नहीं, तुम कुछ ग्रुप मीट में भी करने वाले कर, प्लान कर रहे थे कि डेली मीट करेंगे उसके रिगार्डिंग? डेली नहीं कर पाएंगे, डेली में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सैटरडे संडे प्लान किए। ओके, सैटरडे संडे में क्या, और किसी प्रोजेक्ट के बारे में या फिर कुछ और थ्योरी में भी? नहीं, हमारा ये है कि उसमें मतलब ज्यादा फोकस हम प्रोजेक्ट पे ही करेंगे, लेकिन अगर कोई आता है जिसको मतलब कुछ दिक्कत है थ्योरी में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तुम डेटा साइंस पढ़ रहे इससे रिलेटेड कुछ आता तो हम हमेशा उसमें रहेंगे। अच्छा, और इसमें भी क्या है, डेटा साइंस में एक चीज है ये MLT और MLP में हम कुछ मतलब हेल्प कर सकते हैं अगर कोई पूछा क्वेश्चन। MLS नहीं कर सकते क्योंकि पूरा मैथ है, वो हमको नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता बैठ कर लिखना। ओके, तो ठीक है, उसके मैं तुम जो भी मीट है लिंक वगैरह ग्रुप में शेयर करना, अपडेट करते रहना जब कर रहे हो तो। और ये जो BDM वाला प्रोजेक्ट है, इसके लिए वो बता रहा था कोई, ऋषि भी बता रहा था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं कोई ITM वाले, इसका क्या रोल है, क्या पर्पस है? कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? कुछ बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है? बोनाफाइड नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है हमको, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मतलब कुछ इस तरह का कि ITM की, हां वो वाला मैं बताता हूं, वो डॉक्यूमेंट्स पर डाउनलोड है ना, वहां पे एक सर्टिफिकेट आ जाता है का होता है, ये अपना खुद का स्टूडेंट है, ये फेक नहीं है, ये आपसे डाटा एकेडमिक पर्पस के लिए मांग रहा है और कोई दूसरा गलत पर्पस नहीं इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा ऐसा कुछ करके एंड उसका सेंड किया हुआ होता है। अच्छा, समझ गया, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट, इस वजह से ट्रस्ट बनने के लिए चाहिए। ओके, वो आ जाएगा, अभी रजिस्टर किया ना, और 10 दिन में आ जाएगा वो। अच्छा, मतलब शायद उसका कोई लिंक दिया था कहीं पे कि अगर आप अप्लाई करोगे तब आएगा 10 दिन में, ऐसा कोई है कि ऑटो में नहीं है, ऑटोमेटिक आता है वो, रजिस्टर करने के कोर्स प्रोजेक्ट रजिस्टर करने के बाद तुरंत 10 डेज में आ जाता है। ओके ओके ओके, और तुझे इस टर्म में क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट FW1 का? पता नहीं, मैंने नहीं लिया FW1, ये लिया MLP ले लिया मैं, और BDM
अच्छा तो बीजेम का कुछ डेटा का कुछ मिला कैसे करना है डेटा का? नहीं नहीं कुछ नहीं मिला, मैं ये सब यूट्यूब पे देख रहा था कैसे करते हैं, मतलब वो पुराना वीडियो। अरे वो तो ठीक है बट डेटा को फाइंड करने की बात कर। हाँ वही है, डेटा कलेक्ट करने के लिए तो क्या करना चाहिए, जाके कैसे पूछना चाहिए ये सब देख रहा था मैं। अच्छा। कौन सा डेटा कलेक्ट करना चाहिए, डेटा तो बहुत मिलता है, वो बिजनेस डेटा बोला था, बिजनेस डेटा और मान लो मैं एक बार कलेक्ट भी कर दिया लेकिन उससे मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ तो वो क्या करेंगे फिर वो डेटा को? ओके ओके पीछे दिक्कत आ जाएगा। मैं सोचा एक दो दो तीन ऑप्शन रखेंगे डेटा का, मिलना तो चाहिए, एक तो मिलना चाहिए उसके उसके लिए मिल गया, उसके बाद वो डेटा जो वो मांग रहे हैं रूब्रिक्स क्वेश्चन मांग रहे हैं ना वो रिक्वायरमेंट, वो डेटा से आउटकम्स वो उसका रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा ना। हम तो बात किए जो ऑफिस में बोल रहे हैं कि प्राइवेसी है इसका मत यूज करना, दूसरा कुछ करते हैं जुगाड़ देखते हैं क्या बोलता है जुगाड़, मतलब वो कहां से मिलेगा उनको क्या वो कैसे किससे मांगेगा फिर जुगाड़ के लिए? अरे उसका कुछ तो कॉन्टेक्ट होगा या फिर बोल रहा था कि कुछ हम मतलब डम्मी डेटा कुछ बना के दे सकते हैं उसने क्या है। ओ अरे तो यार वो तो मत करना यार, वो तो लग जाएगा लगेगा फिर डम्मी डेटा को मत जाओ। देखो अगर डम्मी डेटा मिल जाता है डम्मी डेटा भी तो वो कोई वेरीफाई नहीं करेंगे कौन सा डेटा तुम्हारा सही है गलत नहीं करेंगे, फिर भी तुम डमी डेटा तुम जनरेट करेगा ना? नहीं नहीं जनरेट नहीं जनरेट नहीं, डमी डेटा का मतलब कि ये होता है कि अगर ऑफिस में वो डेटा जो जिससे कंपनी को कुछ नुकसान ना हो वो वैसा डेटा। हाँ ठीक है वैसा डेटा ले सकते हैं, मैं सोचा तुम जनरेट करेगा प्रोबेबिलिटी से, ऐसे जनरेट भी नहीं होगा ना, वो जनरेट होगा तो पता है वो अजीब अजीब सा नाम आएगा उसमें इंग्लिश वाला नाम वगैरह वो सब करेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है डेटा ऐसा। वो ऐसा सोचा जनरेट बोला तो वो अगर कंपनी में ज्यादा दिक्कत ना हो वैसा डेटा मिलेगा तो वो भी ठीक है। हाँ वैसा देखते हैं कैसा होगा। तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई जैसे लोग कह रहे थे कि सुपर फास्ट तरीके से अगर दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करें तो मिनिमम कितने टर्म में कर सकता है कंपनी दोनों डिप्लोमा? तीन टर्म। हाँ तीनों टर्म में चार चार कोर्स लो और एक टर्म में मतलब एक टर्म में दो प्रोजेक्ट और बाकी में एक एक प्रोजेक्ट। अच्छा हम सोच रहे अगर हम उस टाइम पे ले लिए होते चार कोर्स तो हमारा ये हमारा लास्ट टर्म था डिप्लोमा। अच्छा और एक बचा है ना लास्ट में कौन सा कोर्स बचा है लास्ट? इसके बाद बचेगा हमारा बीए और एमएलपी प्रोजेक्ट, उसके नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। मेरा भी साथ में खत्म हो जाएगा अब सिस्टम कमांड से मैड वन मैड टू प्रोजेक्ट बचेगा। अच्छा अभी जावा लिया ना इस पर? हाँ इस पर जावा लिया हूँ। जावा के लिए हम बोलेंगे अगर ओपीपी के लिए बता रहे हैं नोट पैड पर कोडिंग करना बहुत अच्छा। ब्लैंक स्क्रीन पे बोल रहे ना तुम क्या क्या? ब्लैंक स्क्रीन खाली स्क्रीन में कोड शट करना। हाँ इस वजह से क्योंकि देखो जावा में क्या होता है क्लास और ऑब्जेक्ट पे खेलना होता है पूरा, तो क्लास ऑब्जेक्ट तो हम खुद लिखना पड़ता है। नहीं मतलब हर चीज में क्लास ऑब्जेक्ट में ही डिफाइंड है हर चीज, जवाब बना ही क्लास ऑब्जेक्ट पे है और उसमें कुछ लिखना भी है तो क्लास नहीं बनाओ फिर ऑब्जेक्टिव बनाओ ऐसा ही करके लिख कर रहा हूँ। तो दिक्कत ये आता है जब बहुत बड़ा जैसे कि जब आता है ये क्या बोलते हैं कलेक्शन, जब कलेक्शन आ जाएगा टॉपिक उस टाइम पे दिक्कत ये होता है कि जब नया नया मेथड हमें यूज करना हो तो हम भूल जाते हैं। अगर आई डी यूज करना है मतलब माइंड मैप नहीं रहता है लेकिन अगर पता हो कि ऐड करना है तो डॉट ऐड लिखते हैं हमें आई डी सजेस्ट कर देता है वो जो भी होता है अपना जेट बेंस का। समझ रहा हूँ। नोट पैड में क्या करोगे डॉट ए डी डी लिखोगे तुम्हें याद रहेगा कि हाँ ये मैं मेथड चाहिए यहाँ पे, ये ओपीपी में बहुत फायदा करेगा बस। और जावा सीखने में भी बहुत फायदा करेगा, मैं जब सीख रहा था जावा तो उस टाइम पे वो सिर्फ टर्मिनल और नोट पैड का यूज किया। अच्छा समझ रहा हूँ मैं।
उससे कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करना है। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भी है ना, देखो नोटपैड में लिखने में, नोटपैड में लिखने में ये ऑटो कंप्लीशन, ऑटो कंप्लीशन उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं चाहिए, पूरा ऑटो ऑटो फिल एटलीस्ट पैरेंथेसिस तो फिल होना चाहिए ना, नोटपैड में वो भी नहीं होता है। हां बता रहा हूं, नोटपैड उसी वजह से यूज कराया जा रहा है। देखो जावा में क्या है, एक सेमी कॉलन का ही बहुत बड़ा महत्व है, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, मुझे ज्यादा हिंदी हो रहा है तो बोल देना। नहीं नहीं ठीक है यार, हिंदी समझता हूँ मैं सही से। हाँ मतलब तो एक सेमी कॉलन का भी उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो वो सिखाने के लिए वो याद रहे उसको ऐसे नोटपैड यूज किया जाता है। नोटपैड में वो भी आदत आदत बनाना पड़ेगा, ओपन करने के बाद क्लोज करना भी। हाँ सब कुछ, अगर एक बार जाओ सीख जाते हो उस टाइम, उसके बाद से आईडी पे जाते हो तो बहुत आसान रहेगा, थोड़ा सा बहुत इजी। एटलीस्ट मैं अभी तक मेरा स्टेटस इसमें है, जावा का मैं फर्स्ट 3 वीक का लेक्चर देखा हूँ कल से। हाँ तो उसका क्या किया फिर, उसको प्रैक्टिकल किया? प्रैक्टिकल लेके नोट्स बनाया हूँ उसमें, मतलब नोट्स में अभी दिखा सकता हूँ कैसे बनाया, देखो अभी दिखाओ दिखाओ। अरे भाई 10 बज गया तो दही मंगाते हैं। कोई सा बनाया हूँ एक सकते ना, अच्छा। वीक 1 वीक 2 अच्छा अच्छा वीक 2 का है, नीचे वाला वीक 3 का है। अभी मेरा प्लान है इसको डिजिटलाइज बनाना चाहिए, वो माइंड मैप वगैरह में बता रहा था अविनेश। हाँ तो अभी डिजिटलाइज बनाना चाहिए। हाँ तो पेपर पे, हाँ माइंड मैप खुद से बना रहे हो ना? वो यार मैं वही देख रहा हूँ यूट्यूब में कैसे बनाते हैं। अच्छा एक बार फट गया फिर दोबारा फटना नहीं चाहिए था हमें इसलिए। माइंड मैप में उस टाइम बनाता था तो उसका एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था, मैं कैसे बनाता था। एक पेज लेता था मैं डिजिटल में, हार्ड कॉपी बनाता था, हार्ड कॉपी पे एक पेज लेता था। अगर हमको एक कोई भी जैसे टॉपिक ले लिया, किसी एक टॉपिक जैसे जावा का ही लेता, बीच में लिख दिया जावा, अब उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंड किस तरफ जा रहा है, इसे एक ट्री की तरह किस तरह विजुअलाइज कर रहे हैं उस तरीके का मैं बना देता था, उसे सिर्फ देख के याद रहता था। हाँ बहुत इफेक्टिव भी है, मैं अभी इम्प्लीमेंट करने हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ अभी। तो सुजय या सनी, ये जो माइंड मैप का तुम लोग बता रहे हो, ये जावा में ही इसका इम्पोर्टेंस है या कहीं भी कर सकते? हर जगह मैं इस पे पता है कब, फिजिक्स केमिस्ट्री में। हाँ 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 नहीं मैथ मैथ स्टैट्स में है इसका कोई रोल? हाँ मतलब हर जगह जहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रही है नहीं कर पा रहे। तो देखो मैं थोड़ा अभी इसके बारे में सुबह से देख रहा था ना, हमारा ब्रेन में सर्क्यूट्स बनाया है ना, बहुत सारा सर्क्यूट, या हमारा सर्क्यूट्स में टेक्स्ट देख के समझने का सर्क्यूट्स अभी रिसेंटली बना है। ओके इन हम ये सृष्टि हुआ ना, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वो सब उस समय से पिक्चर देख के समझने का सर्क्यूट्स बहुत पहले से बन चुका है ब्रेन पे। ओके ओके स्ट्रांग है वो। ओके टेक्स्ट देख के समझने का सर्क्यूट्स अभी अभी बन रहा है, नया है वो, बहुत बेबी है। ओके तो इसमें क्या होता है, हमें रिवीजन करने समय तुम पूरा टॉपिक को रिवाइज करने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ता है, ऐसे करते हैं ना हम लोग हमेशा। उस पर टाइम बचाने के लिए हम अपने पास ऑलरेडी फंडामेंटल वो बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसमेंट है ना, पिक्चर देख के समझना वो यूज करेंगे और हमारा टाइम बचेगा। ओके अच्छा से एक ट्री जैसे बनाएंगे, पिक्चर डालेंगे, कलरफुल बनाएंगे। किसी ने पूरा एक मैं कोई हिस्ट्री की बुक लिया था जिसमें प्रिपरेशन के लिए, उसमें पूरा हिस्ट्री ही ऐसा ही माइंड मैप टाइप बनाया हुआ था, पूरे पेज पे कोई लिखा नहीं था, कोई भी स्टैंजा, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन नहीं लिखी, सब कुछ वो इसी तरीके से मैप के टाइप बनाया हुआ था। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बहुत यूज करते हैं। और एक पॉइंट है, और हमारा ब्रेन पे ना और एक ड्रॉबैक है हमारे ब्रेन का, हमारे ब्रेन में ओवरऑल टॉपिक याद नहीं रहते हैं, अंदर का टॉपिक बहुत याद रहता है, जो भी पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा ना, वो नाम भूल जाते हैं, हेडिंग का नाम भूल जाते हैं, लेकिन हेडिंग के अंदर जो टॉपिक है वो समझते हैं, तो हमारा ब्रेन पे बन जाता है। लेकिन इसमें वो कंप्लीट होता है, इसमें इसमें माइंड मैप में क्या बनाएगा, पूरा ओवरव्यू लिखेगा
अंदर का नहीं लिखता ज्यादा, डीप कंटेंट होता है ना, वो समझ के छोड़ देते, बस समझ गया छोड़ दिया, लेकिन वो ओवरव्यू एडिंग को लिखता है ना, और अपना ब्रेन के साथ ये हेल्प होगा, ऐसे ये होता है ना, एक्स्ट्रा टूल है वो। देखो अगर नोट्स बनाते हो अपने आप, वो लोग बोलते हैं मास्टर टीचर लोग कहते बोलते हैं पोथी बना के रख, तो मतलब वही है कि नोट्स बनाना एकदम फालतू है, तो बनाने का मतलब बस बना रहे हो, मतलब अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हो, बोल रहे हो कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे और इसको डाल रहे ऐसा। ओके ओके, वही रीजन है, उसी वजह से मतलब एक माइंड मैप आता है रास्ते में ये सही करने के। ओके ओके, नहीं तो अभी जैसे सुजय इस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है जावा के टाइम पे शायद, तो अभी तुम बता अभी स्टार्ट किया हम इसको, तुम सनी कब से कब यूज किए थे इसको? ये मैं किया था जब जेई का तैयारी कर रहा था। अच्छा, नहीं इस डिग्री में कब यूज किए थे? इस डिग्री में मैंने कुछ नहीं किया, नोट्स ही नहीं बनाते हो, नोट्स नहीं मिलते, कहां मिलते उसको नोट्स बनाने को। ओके, हमको पेन पेपर तो बनाता हूँ, एक दो वीक का बना के मैं देखता हूँ तुमको, अभी कुछ आइडिया आ जाएगा कैसे जावा को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसको। जरूर भेजना यार सुजय, तुमने काफी कुछ बनाया है पहले भी कहा था, भेजना तुम जो भी तुम्हारे नोट्स वगैरह है तो उसका भेजना। और अभी मैं मैच टू का जो बता रहा था तुमको, जैसे रफ नोट जैसे बनाए थे मैं, उसको भी शायद मैं भेज दूंगा तुमको, तुम बोल रहा था लास्ट टाइम बनाए नहीं थे, मैं बनाए थे वो जैसे रफ वर्ड जैसे बनाए थे, उसको नोट्स नहीं मानता हूँ मैं। और एक स्टूडेंट का डाउट था, वो पूछ पूछ के मुझे परेशान किए जा रहा है कि जैसे कोई इम्प्रूवमेंट एग्जाम देता है तो उसका, जैसे मनोरंजन ने दिया था इंग्लिश टू का, तो मनोरंजन का मैंने मंगाया था क्या बोलते हैं ये ग्रेट कार्ड, तो उसमें मेंशन था कि उसने टर्म वन में इंग्लिश टू में उसके कुछ मार्क्स थे, फिर टर्म थ्री में ये इंग्लिश टू में सेम, दोनों सब टर्म में उसके मार्क्स मेंशन थे सब्जेक्ट वाइज, तो उसका ये डाउट है कि फाइनल जो ग्रेड दो बार आ जाते हैं, हाँ तो जो फाइनल ग्रेड कार्ड मिलेगा क्या उसमें भी दो बार मेंशन होगा या एक ही बार मेंशन रहेगा बेस्ट वाला, क्या रहेगा? नहीं दो बार रहेगा, मैं आपको हर एक टर्म के नाम से रहता है ना सब कुछ दिखेगा, वो टर्म में तुम कुछ भी करो वो सब आ जाते हैं, एक नहीं आता है, बस ड्रॉप करते हैं ना वो नहीं आता है। अच्छा, उसके अलावा सब कुछ आ जाता है, लेकिन उसमें मैं देख रहा था हैंडबुक में एक जगह लिखा था कि आपका जो बेस्ट रहेगा वो मेंशन रहेगा आपके ट्रांसक्रिप्ट में, बेस्ट कब माना जाएगा ना, एक टर्म में अगर आप दो बार कर रहे हो तभी बेस्ट, उसका मतलब कहने का मतलब, हाँ एक टर्म का पूरा आपका डेटा दिखेगा ये आप समझ। अभी मेरा ग्रेड कार्ड में तो ये आ गया ना, मैड वन प्रोजेक्ट का इनकम्प्लीट ग्रेड आ गया है दो बार। अच्छा, तो एक ग्रेड वो टर्म पे तुम कुछ भी करो एंड तक रख के वो सब काउंट हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में रिसेंट मतलब बेस्ट काउंट होगा वो अलग है, लेकिन एक बार तो फुटप्रिंट तो रहता ही है। अच्छा, नहीं एक तो प्रोग्रेस कार्ड होता है, एक ग्रेड कार्ड होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस बताओगे क्या होता है? सेम है, दोनों सेम है। सेम है, तो जो फाइनल बनेगा आपका डिग्री कंप्लीशन पे जो बनेगा, क्या उसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा या कुछ अलग रहेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा, वो क्यूमुलेटिव ऐसे ही रहता है, एक पेज में सब टर्म आ जाता है, लेकिन पेज अच्छा। बड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं उसमें, उस समय हाँ ट्रांसक्रिप्ट, तो उसमें जो मैं पढ़ रहा था इस हैंडबुक में वही इसमें यही लिखा था कि द बेस्ट वन विल बी मेंशनड इन द ट्रांसक्रिप्ट, ऐसे लाइन था। तो मतलब तो हम डिग्री वालों से पूछना चाहिए क्लैरिटी के लिए। हाँ अच्छा, और अभी तक हमारा पास ना करने का प्लान है, डिग्री के साथ साथ करने का, क्या मतलब डिग्री में फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म लोगे? डिग्री का फर्स्ट टर्म में क्या प्लान है वो पूछ रहे हैं। वो वाला लेता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर का नहीं लेंगे, मशीन लर्निंग कर लेता हूँ। क्या कहीं बोला लर्निंग का, ये मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, दो पार्ट है उसमें, एक सॉफ्टवेयर पार्ट और एक मशीन लर्निंग पार्ट। अभी तो ऐसा कर देना, वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तुमको जो लेना वो ले सकते हो, कोर कोर्सेस खत्म करो पहले, ऐसा है। ये भी दो ऑप्शन है, कोर में भी दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। मैंने ये सोचा है कि जो फर्स्ट में उसमें लूंगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI और डीप लर्निंग, पांच दिया नहीं, एक मिनट रुको, कुछ
चारों लेना कंपलसरी क्या? हाँ चारों करना कंपलसरी है डिग्री कंप्लीट करने के लिए। नहीं इसके चारों में दो दो ऑप्शन लगा रखा था वे। नहीं वो चारों और वो एक और मैंडेटरी कोर्स है वो ग्रोथ वाला इंग्लिश वाला। चारों ले लिए तो सब हो जाएगा ना एक ही बार? नहीं नहीं ये चारों नहीं मिलेगा ना, क्रेडिट के अकॉर्डिंग देखना है कोर्स। डिग्री मिलेगा क्रेडिट के अकॉर्डिंग ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा कोर्स और साथ साथ वो इलेक्टिव। तो ये चार खत्म करने के बाद ही कुछ भी इलेक्टिव का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, नहीं बात तो नहीं बना। और तुम अप्रेंटिसशिप के लिए तुम्हारा कंपनी से भी नाम देख के अप्रेंटिसशिप का क्रेडिट भी ले सकते हैं ना तुम? हाँ वो तो है, मेरा भी मतलब ये इंटर्नशिप भी दे रहा तो ले सकते हैं, उसमें भी काम आएगा तुमको तुम्हारा कंपनी। मैं देखता हूँ अगर इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप मिला तो ले लूंगा, नहीं तो कोर्स ही करूंगा। तुम्हारी कंपनी में मेरे को इंटर्नशिप दिलवा दे यार। ठीक है जावा खत्म कर पहले, क्योंकि उसमें जावा का काम होता है पूरा। कोर्स निकाल दूंगा उस जब डिग्री लेवल पे आके बोल दो जाके इंटरव्यू मेरा फ्रेंड है कोर्स वाला इंटर्नशिप में, अगर मैं इंटरव्यू वो रिकमेंडेशन बस उसके बाद जो वो देखते। ओके चलो स्कॉलरशिप आया इसका कारगिल का? मेरा नहीं आया। क्या हुआ आया था? मेरा भी नहीं आ रहे मेरे को, एक फ्रेंड को आया था। हाँ उस टाइम तो आया था, इस बार पता है लड़कियों के लिए सिर्फ वो लोग बना रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। पता है मेरे को पता है हमारा क्यों खटा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा क्यों खटा है। क्यों हुआ? मेरा एक प्रोजेक्ट डिले हो गया ना इसलिए काट लिया वो, रिवोक कर दिया। अगर ऐसा था तो मेरा क्यों कटा, क्योंकि मेरा तो लास्ट टर्म से इंक्रीज हुआ था सब कुछ। हाँ और मेरा सब कुछ तो हमारा तुम्हारा सब सेम ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। सीजीपीए 6 का बोया ना? नहीं सीजीपीए तो 7 प्लस था और लास्ट टर्म में 7 प्लस से मिल गया था मुझे सीजीपीए। ठीक है फिर कोर्स जो स्कॉलरशिप मिलने के बाद कोर्स रजिस्टर किया ना उसके बाद जो भी ड्रॉप नहीं किया? नहीं कुछ नहीं, हमने अभी तक ड्रॉप कुछ नहीं किया। तो हम सिर्फ एक बार हमको बैक लगाया फाउंडेशन का फर्स्ट टर्म, उसका तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। वो उसका कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद आया ना स्कॉलरशिप। हाँ तो मेरा को फ्रेंड स्क्रीनशॉट भेजा था उस पे लिखा था उस पैसे से कोर्स रजिस्टर करने के बाद ड्रॉप कर दिया तो या टर्म में स्किप कर दिया ये सब कर दिया तो कट हो जाएगा स्कॉलरशिप। मेरा इसलिए मैड वन प्रोजेक्ट का ये हो गया ना प्रॉब्लम हो गया इसलिए मेरा खट हो गया लगा मेरे को। तुम्हारा क्यों लगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। शुभांगी अभी तुमने क्या क्या किया कर लिया या नहीं सब्जेक्ट? अभी इस टर्म का हो गया रजिस्ट्रेशन कि नहीं? नहीं कल करूंगी। अच्छा अच्छा क्या क्या सब्जेक्ट ले रही? अच्छा, अच्छा और ये लास्ट टर्म में तुम्हारा भी नहीं लगा था कुछ पैसे ना? नहीं इस टर्म में क्यों नहीं लग रहा? लगेगा कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। नहीं क्या कुछ क्रेडिट हुआ है? हाँ हुआ है। वो कैसे क्रेडिट हुआ है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ना फर्स्ट मतलब फाउंडेशन के टाइम पे जो स्टार्टिंग में आप पेमेंट कर रहे हो ना तो वही पेमेंट आपको वापस आ रहा है, एक्स्ट्रा वो लोग कुछ नहीं दे रहे पैसे। हाँ तो उसका मतलब लास्ट करने के बाद ही बच रहा था, इसका मतलब ये मैं जानना चाहूँ बचा है लास्ट? हाँ बचा था। हाँ 1125 बचा था और इस पर मैंने जो जमा मतलब मैंने जो पेमेंट किया था उसी सेम चीज फिर वो मेरे को रिटर्न हुआ है। इस टाइम पेमेंट किया था कब? डिप्लोमा का फर्स्ट टर्म में जो पेमेंट किया था मैंने तो वो मेरे को फिर से रिटर्न हो गया। अच्छा तो पेमेंट किया था उसमें फ्री नहीं था? नहीं मतलब उनके ही वॉलेट से जो कटा था पैसा तो वो रिटर्न हो गया, वही बोल रही हूँ। ये कि मतलब उनके वॉलेट से पे किया फिर वही रिटर्न हो गया? ये चीज तो बड़ी अजीब है। अवनीश में बताता हूँ कि वो ओवरऑल क्या हो रहा है। हम
पैसा पे करने समय हमारा हाथ से पे कर देते हैं, जो भी हमारा कैश से अकाउंट से हो या उनका वैलेट में, जो हमारा वैलेट होता है ना एटीएम में, वहां से निकाल के दे दो, वो हो जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप ये मतलब है वो जो पैसा हम पे करेंगे उतना ही पैसा वापस मिलेगा हमको। मतलब ओवरऑल अपेरेंटली क्या दिख रहा है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं बस। और इसका एडवांटेज जो भी है ये भी है, अगर तुम लास्ट में डिग्री तक भी अच्छा से सिंसियरली पढ़ के आया तो उसमें भी स्कॉलरशिप आएगा। आईआईटी बाहर निकल के जाएगा उस समय वो पैसा तुमको अकाउंट में आ जाएगा जो बचेगा वॉलेट में वो। नहीं, एक मिनट, आज जो मीट में सेम पूछ रहा था कोई, तो उनको एड्रेस करते बताया मैम ने कि जो आपके स्टूडेंट वैलेट है वो वाला पैसा आपको मिलेगा, लेकिन जो स्कॉलरशिप वैलेट है वो नहीं मिलेगा। हाँ, वो कोई यही तो न्यूएंसेस है अंदर का। दो कैटेगरी है वैलेट में, सीएसआर वैलेट और स्टूडेंट वैलेट, दो वैलेट है। तो बोल रहा है कि वैलेट में जीरो है, मैं बोल रहा हूं एप्लीकेबल ही नहीं है। हां, उसमें एक तो वापस मिल जाता है, स्कॉलरशिप वाला नहीं मिलता होगा। अभी मेरे को क्लियर हो गया ये तो। नहीं तो शुभांगी, तुम्हारे जो लास्ट टर्म में थे सारे सब्जेक्ट हो गए क्लियर? हाँ। अच्छा, तो जैसे साक्षी से बात हो रही, तो साक्षी ने बताया कि उसका लास्ट टर्म में जो था वो फिर से रिपीट कर रही है, तो हाँ। उसको साक्षी सब्जेक्ट उसका था, ये था डीबीएमएस था और एक और मैट वन क्या था समझ मुझे याद नहीं, तो दो सब्जेक्ट था उसका, तो रिपीट कर रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो रिपीट रिपीट ऐसा करते हैं तो स्कॉलरशिप फिर नहीं मिलता, ऐसा कुछ बता रहे थे भी। नहीं, मतलब आप नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये कि आप जो रिपीट करोगे ना तो वो कहता है उसका आपको कैश या पेमेंट करना होगा खुद से, वो स्टूडेंट वॉलेट से करेगा। मेरा जैसा मिला था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरा फाउंडेशन क्लियर हुआ, मेरा मतलब फाउंडेशन अगर क्लियर करते हो पूरा पूरा पैसा कितना लगा 8,000। मेरा उसका मैथ्स वन में बैक लगा था तो मेरा एक एक्स्ट्रा दिए थे, मतलब अमाउंट हम दिए थे 9,000 मैथ तो पूरे फाउंडेशन के लिए, हमको मेरा 8,000 में बैक है। अच्छा, वो बैक लग रहा है उसको छोड़ के जिसमें पास हो रहे हैं उसका। अच्छा, तो नहीं उसको इस बार भी बोले फ्री में हो गया उसका, तो ऐसे चलता रहेगा क्या उसके लिए भी, जो भी रिपीट करे कोर्स अगर वो रिपीट कर रहा है कोई? नहीं नहीं, वो तो कट हो जाएगा। तो एक बात है यार, स्कॉलरशिप मिलने के बाद बहुत सिंसियरली चलना पड़ता है। अच्छा, हमेशा पास होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। तो शुभांगी, तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिला है किसने, किसकी तरफ से? कारगिल, स्टूडेंट वॉलेट में आया है, स्कॉलरशिप मिला है। मेल चेक करो, मेल कंपनी का चला है। कारगिल, कारगिल ही हो देते हैं ना हमेशा कारगिल हम लोग लड़कों को। कितने लड़कों को अपने अंडर लेते हैं और हम इन लड़कों को हम आ रहे हैं इस टाइम तो पैसा आपको दे देते हैं, वो कोई क्राइटेरिया मतलब बहुत कम ऐसा हम सुने हैं, पर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, वो बस 10 लड़के से चूज करते हैं, जितने ज्यादा ग्रेड होता है उनके अकॉर्डिंग दे देते हैं। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जैसे आप किसी मान लो कि HSBC ने ये कर रही स्कॉलरशिप दे रही शुभांगी को, तो HSBC में क्या कोई कंप्लीट करने के बाद जैसे डिग्री कंप्लीट होती है उसको कोई ऑप्शन है या कोई अप्लाई कर सकती है? सिर्फ इतना
हाँ वो एक तरह से मतलब दान कर रही है, कंपनी है अपना दान करना चाहते कर रही है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि तुम पढ़ के आओ तो तुमको जॉब देंगे, तो बॉन्डिंग कुछ नहीं है उसके बाद भी नहीं, बॉन्डिंग नहीं है तो फिर ये जो कंडीशन है ना, जैसे ये जो कह रहता है सुजय की स्कॉलरशिप मिलने के बाद सिंसियरली पढ़ना पड़ता है, तो ये कहने का मतलब एक तरीके से वही होगा ना कि हम पे करें तो आप सिंसियर पढ़ रहे हो तो अगर आप पैसा कंटिन्यू करने के लिए, अच्छा स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए समझ रहा हूँ, तो स्कॉलरशिप कंडीशन कहने का मतलब वही हो गया ना कि अगर कोई कंपनी आप पर पैसा लगा रही तो आप सिंसियरली पढ़ करके और निकलो और हाँ। मतलब कि कंपनी की नजर में हो तो कंपनी हो सकता है आपको प्लेस भी कर दे, ऐसा कुछ ये सब नहीं है, ये सब इसमें नहीं आता है, ये सब हम प्लेसमेंट से थ्रू वर्क देना पड़ता है। जैसे कई कंपनियों में ऐसा ऑफर होता है कि जैसे मेरे एक रिलेटिव है उन्होंने भी गए थे कि ग्रेजुएशन करके, तो बोला कि आप उनको जॉब भी दिया और उनको एमबीए भी करा रहा था, बोला कि एमबीए करने के बाद फिर उनको प्लेसमेंट और अच्छा दे दिया उसी कंपनी में। मैं समझ रहा हूँ इसको, ये एक एक कंपनी होते है, एक एक कंपनी जबरदस्ती से बुलाते हैं हमको, तुमको स्कॉलरशिप दिया तो हमारा कंपनी में आके काम करो। दूसरा यहाँ पर भी एक कौन सी कंपनी यार अच्छी कंपनी, विप्रो या किसी का भी नाम सुना था कि जो बीटेक करा रही थी इसी तरीके से कि आपको बीटेक भी कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा पे वो करेगी बीटेक का पैसा आपको, बीटेक करने के बाद वो वहाँ आपको ज्वाइन करना और इतने टाइम, उसके भी कुछ कंडीशन थे कि इतने टाइम आपको कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है। कुछ कुछ होता है लेकिन इसमें ज्यादा एक कंडीशन थी हमको पहले से बताया भी नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, इसमें हमको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बस जो स्कॉलरशिप मिलने के बाद आगे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अच्छा से जाना चाहिए, नहीं तो कट जाएगा स्कॉलरशिप। ओके 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 ये पता है ना, ये IIST होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पढ़ने के बाद केरला में इसरो में जरूरी काम करना चाहिए, काम नहीं करेगा तो 1 लाख फाइन भर के वापस आना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कुछ रूल्स है उसमें, जबरदस्ती से जाना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि वो लोग पढ़ाते हैं ना अच्छे से स्कॉलरशिप वगैरह देख, वो आपसे 1 रुपया मतलब आपके खर्च के लिए भी 1 रुपया नहीं रहते खर्चा। अच्छा उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा टफ होगा वहां पे जाने के लिए, टफ होगा लेकिन हमारा 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ा रहा था ना वो बता रहा था, वो अच्छा से पढ़ के गया उधर, उधर ज्यादा पेपर वर्क हो रहा था इसरो में, उसके साथ पेपर वर्क दे दिया बहुत, उसको अपसेट हो गया, वो बाहर आना चाहता था, इसलिए वो 1 लाख फाइन दिया, उसके बाद बाहर आ गया बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ऐसा कुछ होता है। अच्छा अच्छा उसके लिए भी बॉन्ड वगैरह नहीं है, अभी के टाइम पे एडवांस क्लियर करना होता है उसके लिए भी, उसके लिए भी एडवांस क्लियर करना पड़ता है, वो भी ड्रीम जॉब मान के गए थे उसके अंदर इसरो के अंदर, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला उसको ज्यादा पेपर वर्क मिला, ओके ओके, कि वो बाहर आना चाहता था, और मेडिकल में तो बहुत कॉलेज होता है ऐसा, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारा कॉलेजेस होते हैं, उसमें हम पढ़ने के बाद 2 इयर्स उधर ही उसी हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है ऐसा। अच्छा इसका सिलेबस देखे थे, गेट डेटा साइंस वाला सिलेबस देखे थे? हाँ जब स्टार्टिंग में आया था उस समय देखा था, तो ये तो बहुत कुछ अपने सिलेबस में है, कोर्स में के ही अंदर है ना, कुछ मैक्सिमम हमारा सिलेबस में, मतलब उसमें आता है अगर ये कर लिया तो वो क्लियर हो जाए इतना है। अब ये देखना है कि इस बार कितने सीट का किस कॉलेज में क्या डिग्री के लिए देता है, तो अच्छा एक चांस है, मतलब ये गेट वाला भी। एक बात ये था कि मतलब पिछले कुछ डेटा के अकॉर्डिंग डेटा साइंस का MSc में फिर MTech में वहाँ पे मिल रहा था, MS में सॉरी कॉलेज में प्रोवाइड करा रहे डेटा साइंस के फील्ड में, लेकिन उसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है CS के फील्ड से या फिर स्टैटिस्टिक्स के फील्ड से लेते थे। तो अभी ये मतलब उस जैसे कि अनाउंस किया लास्ट टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि IIT मद्रास से कुछ कोर्स किया है शायद इसके लिए, IIT बेंगलोर में एक डिपार्टमेंट भी है डाटा साइंस, CDS डिपार्टमेंट है, CDS कंप्यूटेशनल डाटा साइंस का। okay. वो उसमें पहले क्या होता था, बहुत सारा फिजिक्स गेट मैथ्स
स्टैट कंप्यूटर साइंस ये सब गेट लिख के उसके जाता था, अभी डाटा साइंस भी आ गया उसके गेट पेपर। बढ़िया ठीक है सुजय, वो नोट भेज देना और काफी कुछ जानकारी मेरी प्रोजेक्ट के बारे में और दूसरे भी टॉपिक्स के बारे में। ऐसे मिलते रहना चाहिए यार, ऐसे मिलते मिलते बात करते हैं तो बहुत ज्यादा शेयर, मेरे को अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला है ना मैडम प्रोजेक्ट का अभी मेरे को। अच्छा अभी हमने उस दिन थोड़ा चर्चा की थी तो अभी सनी है तो सनी को हो सकता है नॉलेज हो गिटहब के बारे में, सनी कुछ बता सकते हो मतलब मैं ये जानना करना चाह रहा था कि तुम स्क्रीन शेयर करके जिसको गिटहब के बारे में कुछ भी नहीं पता है थोड़ा तुम उसको एक बेसिक आइडिया दे सकते हो। अरे गिटहब को क्या होता है, दूसरी चीज ये कि तुम चेन्नई में थे तो वहां पे तुमने अपना वो स्टूडेंट वाला एक्टिवेट कर रखा फ्री वाला गिटहब का प्रीमियम जो होता है या पहले से एक्टिवेट था क्या था? मैंने एक्टिवेट कर रखा सब कुछ तो मतलब आईआईटी से मद्रास आईडी से एक्टिवेट किया कहीं कहीं और से? हां आईआईटी मद्रास से, अरे मेल आईडी देना पड़ता है कॉलेज का ऐसा कर देता है। हाँ तो तुम चेन्नई में थे तो क्योंकि मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा था ना तो वहाँ पर बोला था कि आपका लोकेशन डिफरेंट दिखा रहा था इसलिए नहीं हो पा रहा था ऐसा नहीं कुछ ऐसी दे रहा था नहीं मैं हाँ लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बहुत सारे लोगों को मीट पे बैठ के करवाया था नहीं हो सकता पता नहीं अब उस समय मैं कर रहा था तो उसमें मतलब ऐसा होता है ना कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसको दिखाओ और आईडी कार्ड को दिखाओ फोटो फिर वहाँ एक्सेस करता है तो लोकेशन भी एक्सप्रेस करता है तो बोलता है आपका लोकेशन जो है आपका कॉलेज के पास नियर बाई में नहीं है इसलिए वो नहीं हो पाता। तो आप एक काम कर लो लैपटॉप का लोकेशन सेट कर दो वहाँ पे, क्या सेट करना बाद में बता देंगे। अच्छा वो लोकेशन का मतलब मैनुअली लोकेशन सेट कर सकते हो आपका लोकेशन लैपटॉप का जो डिफॉल्ट लोकेशन है अभी अगर आप ओपन करोगे तो दिखाएगा आपका अभी जहाँ करो। अच्छा क्या हो गया तुम्हारी आवाज ब्रेक होगी? हेलो हाँ फ्लाइट मोड में डाल दिया था। अच्छा तो उसमें लोकेशन चेंज करके ऐसा कर सकते हो कि वो वहां पर दिखा जाएगा चेन्नई तो फिर आपको फेच करेगा तो दिखेगा चेन्नई ना। अच्छा चलो ठीक है तो बताओ फिलहाल भी तुम गिटहब के बारे में शेयर करके। अभी गिटहब क्या होता है किशन कमांड में टॉपिक है वर्जन कंट्रोल। अच्छा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे तो इसमें क्या करना होता है आपको मेन यूज किया जाता है कोड को सेफ रखने के लिए। अगर आपको और एक बात है अभी तुम दोनों यूट्यूब में एक्सप्लोर कर रहे हैं ना यूट्यूब का। हाँ मेरा प्लान था मैथ का एनिमेशन वीडियो बनाना था। अच्छा हाँ क्योंकि ये थ्री ब्लू वन ब्रोन ऐसा कुछ है ना वो एक कंपटीशन बनाते हैं वो हर साल। अच्छा कंपटीशन करते हैं करवाते हैं। अच्छा वर्ल्ड वाइड बनाते वो सबको बोल देते हैं तुम जो भी तुम मन आएगा मैथ का एक एनिमेशन वीडियो बना के हमको भेजो ऐसा बोलते वो। तो वजह से क्या हो रहा है मैथ पब्लिक में मैथ का एनिमेशन वीडियो बनाने का कम्युनिटी बढ़ रहा है और लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और उसके बाद वो सेलेक्ट एक मैथ प्रोफेसर वर्ल्ड वाइड प्रोफेसर बुला के वो सारा कट्टा वीडियो कट्टा करके अराउंड 300 सबमिशन होता है 300-400 सबमिशन होता है हर साल एनालाइज करके वो रैंक देता है कौन सा बेस्ट लगा कौन सा टॉपिक अच्छा लगा ऐसा होता है इसमें। ओके तो समझने के लिए इसका वजह से अराउंड मेरे को अराउंड 50 चैनल्स मिल गया। ये 50 चैनल्स उसका वजह से बनाए थे चैनल यूट्यूब चैनल सबमिशन करने के लिए। वो सबमिशन यही होता है अपने चैनल क्रिएट करो एक वीडियो अपलोड करो एनिमेशन बना के और उस पीडीएफ को लिंक हमको भेजो बस इतना ही है सबमिशन ज्यादा रूल्स। ये लोग बनाते रहते हैं अच्छा से वीडियो डालते रहते हैं मैं भी सोचा मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें कर सकते हो एनिमेशन को एनिमेशन आना आता करते हो कुछ आता है कुछ नहीं बस सीखना चाहिए सब ट्रैक से सीखना चाहिए उसके लिए हमें यूट्यूब का भी देखना पड़ेगा कैसे अपलोड करना है कि क्या अकाउंट कैसे बनाते हैं वो यूट्यूब का वो तो इजी है यूट्यूब का तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं वो सब मेरे को जरूरत पड़े तो मैं पूछता हूँ तुम दोनों से कोई भी बता देना मेरे को बिल्कुल बिल्कुल
टाइम भी नहीं मिल रहा है उसको एनिमेशन सीखने के लिए, मैथ एनिमेशन कैसे बनाते हैं, इसके लिए वो खुद देता है, वो थ्री वो यूज करते है ना खुद, हाँ हाँ वो पब्लिक कर दिया वो। अच्छा वो क्या गिटहब पे कहाँ पे है वो चीज उसका, वो पता नहीं वो कहाँ पब्लिक किया, लेकिन मैं एक वीडियो में देखा था वो बोल रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों अच्छा, के लिए अच्छा। मैं इंस्पायर करने के लिए दे दिया हूँ, फ्री दे दिया हूँ। अच्छा। आप चाहिए तो उसको यूज कर सकते हैं या खुद बना के कर सकते हैं। काफी उसका उसका तो एनिमेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही टॉप लेवल। हाँ, वो इसलिए पब्लिक भी कर दिया उसको एनिमेशन का। दूसरा और कोई मैथ के लिए चैनल तुमने देखा एक्सप्लोर करते समय? बहुत बढ़िया, बहुत सारा है। मैं पूरा ये एक पेन पेपर में लिख के दिया रखा था मैं टॉपिक, मतलब चैनल नेम। अच्छा, और एक आध चैनल तुम्हें मिला होगा ऐसा जो पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ही ब्लैक स्क्रीन नहीं, वो बिल्कुल मतलब ग्लास पे लगता है लिखते हैं, ग्लास के दूसरी साइड वो खड़े हैं लिख रहे हैं और कैमरा ग्लास के दूसरी साइड है। हाँ हाँ, देखा हूँ इसका, ये एक प्राइम नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं वो है ना, एरिडिक का नाम है उसका नाम, देखो। हाँ, कई कई है, एक दो है ऐसे, एक लेडीज भी है जेंट्स भी है, तो वो कैसे होता है यार समझ नहीं आया, ये बड़ा मुझे अच्छा वो है वीडियो एडिटिंग, वो जब ये यूज करते हैं ना बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, उस टाइम पे एडिट कर सकते हैं वीडियो। उसको पीछे का वीडियो बॉडी दिखते रहता है, वो आगे दिखते रहते हैं, हवा में लिखते हैं लेकिन वो भी टेक्स्ट आ जाता है ना। नहीं पता रहे मेरे को, वो वीडियो एडिटिंग का पूरा हुआ है, वीडियो एडिटिंग का कुछ नहीं है। मतलब वीडियो एडिटिंग क्या है उसमें? मतलब कि आपको देखो अभी कैसे ये आपका चल रहा है इस पे ऐसे, तो आप कैसे लिख रहे हो, उसके ऊपर क्या कर दिया वो जो वीडियो है ना उसको चिपका दिया जो ऑलरेडी शूट है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। अरे नहीं बाबा ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है नहीं, अरे मैं एक वीडियो बताता हूँ, यूट्यूब खोलो बताता हूँ। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मिरर पे लिख रहे हो, मिरर है ट्रांसपेरेंट मिरर है। हाँ, बोर्ड आपका मिरर टाइप, एरिडिक मैथ टाइप करो, ERDIC मैथ, ERDIC कुछ नाम से कुछ तो रिकमेंडेशन आ जाएगा, तो फिर बोलना आ जाएगा ऊपर जाता है। एरिडिक टाइप करो, ERDIC प्राइम नंबर फॉर्मूला लिखो, प्राइम नंबर फॉर्मूला वही वाला फर्स्ट में आए थे। नहीं नहीं ये नहीं, बैक एक मिनट अरे यार कितना खर्चा रहा है, ये एड ब्लॉकर भी बैन हो गया ना इस यूट्यूब पे, यू कैन पॉज एंड टेक अ लुक एट इट। नहीं बैक आ जाओ मैं बताता हूँ। हाँ बोले एरिक करो रोवर्ट, उसका दूसरा वीडियो देखो कोई भी चैनल पे, नहीं तो और एक बता याद कर करो तो स्टैंड अप कॉमेडी लिखो, स्टैंड अप मैथ है। वीडियो पे इसका वीडियो पता लिखता था, चलो उसके बारे में बाद में कर लेंगे, अभी नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है तो। अरे अवनीश मेरे को मिल गया था, मैं भेज देता हूँ याद रखाऊंगा। ठीक ठीक, नहीं वो तो ठीक है, मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ कि वो कैसे उसका कोई बोर्ड ही अलग होता है मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें कैमरा बिल्कुल आपको आगे दिखता है, आदमी जैसा लगता है सामने खड़ा है और आपकी स्क्रीन पे लिख रहा है लाइक दैट। हाँ हाँ समझता है, मैं देखा हूँ उसको और एक आधा घंटा मिल गया तो मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ देखा,
हाँ तो सनी अभी गिटहब के बारे में बता रहे थे, हाँ गिटहब का ये खोल दिया, ये है मेरा ये प्रीमियम अकाउंट है, ये प्रीमियम नहीं है, ये स्टूडेंट अलाउड बैक है, मतलब वही हो गया प्रीमियम एक्सेस हो गया सारे फीचर्स ना। नहीं नहीं उसमें सारे नहीं होते, कुछ पार्ट होता है, सारे कैसे होते हैं। अच्छा तो अब बताओ ये गिटहब के बारे में, मतलब ये चीज क्या है, ये गिटहब के बारे में है क्या चीज, ये गिटहब का यूज किया जाता है सिर्फ कोड को स्टोर करने के लिए, कोड के लिए ही होता है बस ये। नहीं मेन बेसिक इसका पर्पज क्या था बनाने का वो बता रहा हूँ, कि आप कोड जो लिख रहे हो लोकल में, अगर आपका मान लो सिस्टम क्रैश हो गया तो कोड डिलीट हो जाएगा सारा मेहनत बर्बाद, तो उसके वजह से इसको सर्वर पे रखने के लिए कोड आपका एक सिक्योर जगह पे एक गिटहब बनाया गया था, उस गिटहब पे आप रिपोजिटरी बना सकते हो, इस रिपोजिटरी को आप पब्लिक प्राइवेट रख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे पब्लिक रखा है, ये तो यहाँ पर आप देखो ये बीच पे काम कर रहा है, ये है प्राइवेट है, ये पब्लिक है दो, तो पब्लिक में क्या हो सकता है, अगर मैं इसका आपको लिंक दूँ इस रिपोजिटरी का तो आप एक्सेस कर सकते हो, अगर मैं आपको वो सिर्फ कोड दे सकते हो, अगर इसका लिंक दूँ तो आप नहीं कर सकते। तो पब्लिक वाले का भी लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, कोई सर्च में जाके भी ऐसे सर्च आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, आप जाके मेरा नाम सर्च करो आप देख सकते हो इसको, एक्सेस करो नहीं होगा देखो। अच्छा तो यहाँ पे मैं देखो ये भी एक दिखाता हूँ, ये रहा मेरा मैट टू का, नहीं मैट टू का नहीं, मैट मैट वन टेस्ट कार्ड, ये मेरा मैट वन का प्रोजेक्ट प्राइवेट है, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक, जिसको देखना हो देख सकता है आराम से। तो ये तुमने पहले अपने सिस्टम बना के फिर यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, यही बनाया? नहीं नहीं वो भी बताता हूँ अभी, ये ओवर भी बता रहा हूँ काम करते काम करते करते, ठीक है। तो ये सारा मैंने कोड लिखा था और यहाँ पे मैंने पुश कर दिया उस कोड, पुश कैसे करते हैं, पुश के लिए बहुत सारा अलग अलग मेथड है इसके लिए, तो ये मैंने सारे मैट वन का पूरा प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप एप्लीकेशन इसको ये रिक्वायरमेंट्स और टेक्स्ट जो है ये मैं मैडवर को बता रहा हूँ, ये सारे मैडवर में आपको इंस्टॉल करना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये एप्लीकेशन करना होता है, इस तरीके से वो सिर्फ यूज करने के लिए कोड रिस्टोर करने के लिए इंटरनेट पे मैं गिटहब का बनाया गया था। और गिटहब में एक चीज और फीचर है कि आप दो तीन लोग मतलब एक टीम में काम कर सकते हो, उसके लिए आता है काम हमारे पास गिट ब्रांच, ये रहा ब्रांचेस सारे, इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस बना सकते हो, और जैसे कि हम तीनों लोग मान लो आप काम करते हैं, चलो हम क्या करेंगे अपना ब्रांच बनाएंगे, अगर कुछ काम किया तो उसका अलग ब्रांच, उसमें अपना कोड डाल देंगे, आप कुछ और बनाओ उसको आप अपने में डाल दो, फिर हम क्या करेंगे लास्ट में एक आता है मर्ज करने का, सारे में मर्ज करेंगे और कोड अगर जिसका जिसका सेम हुआ वो क्या करेगा एक जगह मतलब कॉमन रख देगा, जो अलग अलग होगा उसको अलग अलग कर देगा, मतलब मर्ज कर देते हैं, तो सारा फिर मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा अगर चार पांच लोग लिख रहे हैं, ये एक इसका बेनिफिट होता है। इसका मेन अभी इस टाइम पे जो यूज हो रहा है सिर्फ कोलैब करने के लिए टीम में, फिर इसमें कुछ और ऐड कर दिया फीचर्स, ये एक्शन था, इससे हम क्या कर सकते हैं स्टैटिक पेज रन करवा सकते हैं गिटहब पे, मतलब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने गिटहब पे होस्ट कर रखा है मेरा वेबसाइट। अच्छा ये है पोर्टफोलियो मेरा, ये मतलब गिटहब पे होस्ट कर रखा है वेबसाइट का, मतलब क्या कि तुमने वेबसाइट की कोडिंग की और उसको फिर गिटहब पे पेस्ट कर दिया? नहीं नहीं गिटहब पे मैंने ये एक रिपोजिटरी बनाया, उस रिपोजिटरी में मैंने अपना कोड लिखा और गिटहब पे पुश कर दिया, गिटहब मेरा कोड आ गया, उस कोड को मैंने डोमेन जैसे कि हम डोमेन कहते हैं .com.in वैसे ये गिटहब हमको फ्री में देता है, अगर कुछ मतलब कुछ नहीं है तो फ्री में आपको फ्री में देता है सिर्फ एक वेबसाइट के लिए github.in, ओके। और उस टाइम पे ये आपसे बोलता है आप सिर्फ स्टैटिक पेज ही होस्ट कर सकते हो, हम आपको कोई सर्वर नहीं देंगे, तो आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करने वाला या फिर कोई फ्लास्क जैसे एप्लीकेशन रन नहीं कर सिर्फ HTML CSS एंड JavaScript, ओके। तो ये इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, और अभी आपको देते हैं इस पर एक मतलब एक मेथड बता रहा हूँ कैसे हम कोड डालते हैं कैसे काम करते हैं वो बता रहा हूँ, एक मेथड बाकी बहुत सारे मेथड्स, तो अभी जो हम करते हैं एक रिपोजिटरी बनाते हैं,
एक मिनट, हेलो एक मिनट आता अभी आप कहाँ पे हो? डी स्पोर्ट के सामने? सनी चला गया। तो मैं और एक बता सकता हूँ इसमें, ये सब गिटहब में अभी सनी बता रहे हैं ना, एक बार हम उसमें अंदर जाना चाहिए, उसके बाद ही हमको जो बताएगा उसका वैल्यू समझ में आएगा। थोड़ा बहुत तो यूज किया है तो फिर ठीक है, मेरे को बहुत ऊपर है इसमें, समझ में नहीं आ रहा ज्यादा, मेरे को पहले एक बार अंदर जाना पड़ेगा। वो चीज कैसे मिला जो तुमने एप्लीकेशन बोला था, वो तुम्हें कैसे मिला? बोला था साथ भेजा था मैं उसका लिंक। अच्छा अच्छा, साथ लिंक भेजा था। फिर मैं डाउनलोड किया, अंदर गिटहब पे गया वो लिंक। अच्छा क्या था वो गिटहब पे ओपन सोर्स है वो, और यूट्यूब का प्लेलिस्ट डाउनलोड करने के लिए। ओके ओके, प्लेलिस्ट पूरा डाउनलोड होता है, एक एक वीडियो होता है? पूरा एक ही पर डाउनलोड होता है पूरा प्लेलिस्ट। अरे ये बड़ी अच्छी बात है, पूरा 300 वीडियोस भी डाउनलोड एक ही पर डाउनलोड, ये वन क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। ओहो बढ़िया। इसको आईआईटीएम कोर्स का प्लेलिस्ट डाउनलोड करने के लिए यूज किया। अच्छा अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्वालिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं? क्वालिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, MP4 ONG ऐसे कुछ होते हैं ना, OGB ऐसे कुछ, और MP3 भी ऐसे, फॉर्मेट भी क्वालिटी भी। अच्छा ओके ओके ओके, ये बढ़िया है। मतलब GitHub के बारे में तुम जो कह रहे हो कि अभी तुम्हें ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अभी ज्यादा एक्सप्लोर चीजें नहीं की हो? हाँ, एक बार MAD 2 पढ़ाने समय लेक्चर में एक सेशन लिया थे इंस्ट्रक्टर, उसके बाद वो क्विज पे भी आए थे क्वेश्चन GitHub के बारे में। अच्छा, हमें वो यहाँ से हम एक प्रोफाइल पे क्लिक करते टाइम यहाँ पे लिखेगा योर रिपोजिटरी, इस पे क्लिक करने पे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ से एक नया रिपोजिटरी बनाओ, और यहाँ से आप चूज कर सकते हो पब्लिक करना है प्राइवेट करना है, बाद में चेंज हो जाता है ये वाला, बाद में चेंज कर सकते हो। ये है रेडमी फाइल, तो रेडमी फाइल का मतलब हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट को किस बारे में हम किस बारे में इसको यूज कैसे कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आप इस फाइल में डाल सकते हो। ये फाइल आपको मतलब कोई अगर सर्च किया तो वहां उसको दिख जाएगा, इस फाइल में हम डिजाइनिंग कर सकते हैं HTML के जैसा। HTML में से डिजाइनिंग नहीं होता, लेकिन उसके कुछ टैग्स हैं उसको यूज करके हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। redmi.md फाइल होता है, md का मतलब है मार्कअप। ओके, तो अभी हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्रिएट रिपोजिटरी, हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे यूज, तो ये हमको लिंक मिल गया SSH का। इस लिंक के यूज करके हम क्या करेंगे, एक मेथड ये है कि हम इस लिंक के यूज करके अपने सिस्टम में क्लोन कर रहे हैं। तो क्लोन करने से क्या होगा कि हमारा ये जो रिपोजिटरी बना है उसका एक फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर कुछ भी हम कोड करेंगे और कोड से उस कोड के हमें पुश कर सकते हैं। एक और मेथड ये है, कोई भी एक रैंडम से मेथड फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर को गिट इनिट करके इनिशियलाइज कर दो गिट से, उसमें रेडमी नाम का मतलब ऐसे सिस्टम बस ऐसे बता रहा है कैसे ऐड करना। फिर एक ये आता है मेन रिमोट ऐड, इस वाले लिंक से आप अपने फोल्डर को ऐड करते रहो, उस टाइम पे क्या हो जाएगा आपका फोल्डर इससे मैच हो जाएगा, फिर वहाँ से कुछ भी पुश करोगे तो इसी रिपोजिटरी में आएगा। ये दो मेथड हो गए, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ये क्लोन वाला, मुझे ज़्यादा इजी लगता है। मैं भी यहाँ पे क्लोन कर दीजिए, सिस्टम में लिनक्स और विंडोज दोनों है क्या? हाँ, मैं डुअल बूट यूज करता हूँ, मेरा उबंटु इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ MKDIR test
तो यहाँ पे मैं इस टेस्ट नाम का एक फोल्डर बना लिया, इसका हमें कोई मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन हम होम डायरेक्टरी कुछ नहीं काम करते हैं, इसी वजह से हम बना रहे हैं। ये लिनक्स का मतलब बेसिक नॉलेज है कि होम डायरेक्टरी पर ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, वहां पे क्या होता है रूट का कुछ परमिशन का इशू आता है। अच्छा, तो हम टेस्ट बना लिया, यहाँ पे चेक करते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है गिट, गिट का कमांड कोई भी यूज करने के लिए हमें इंस्टॉल करना होता है। अभी हम लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा ही देते हैं ऑप्शन, सुडो एपीटी गिट इंस्टॉल गिट। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो बोल दिया ऑलरेडी इंस्टॉल है, गिट क्लोन, और जो मैंने वहां से लिंक कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो बस, इंटर। ये बोले टेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग दे दिया कि आपके इस रिपोजिटरी जो आपने क्लोन किया वो उसमें कुछ नहीं है। तो अभी अगर अभी हम यहाँ पे दिखाया तो हमारा एक टेस्ट नाम का जो हमने वहाँ पर रिपोजिटरी बनाया वो यहाँ पे दिख गया। अब इसके अंदर जाते हैं, अब इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा, तो एक मिनट हम ये दिखा रहे हैं कि गिट फोल्डर है कि नहीं, उसको कैसे वेरीफाई करें। तो एक लिनक्स में कमांड होता है एलएस करके लिस्ट हो जाता है, और हाइफन एच करने से हमें डॉट से जो भी लिखा हुआ आता है फोल्डर वो भी दिख जाता है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको डॉट गिट। नहीं, ये सब तुम सिस्टम कमांड से सीखा है क्या? हाँ, तो ये एलएस करते हैं, मतलब एलएस करने से लिस्ट होता है और हाइफन ए कर दिया तो डॉट गिट आ जाता है, मतलब डॉट गिट नहीं, डॉट से जो भी फोल्डर बना होता है। तो ये हर एक फोल्डर में ये दो बना होता है हमेशा, कोई भी फोल्डर वहां पे हमेशा रहता है। हाँ, एक दो, एक डॉट और दो डॉट। इसके अंदर जाए डॉट गिट के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे गिट, ये सारे गिट के कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर दिए तो गिट के कोई भी काम यहाँ पे। अभी सनी, अभी ये एक फोल्डर क्रिएट करो, इसमें ऐसे कैसे फोल्डर क्रिएट करते, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो। अभी हम अपने रेपो के अंदर है, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स नाम से, mkdir मेक डायरेक्टरी टेम्पलेट्स, प्लस यहाँ पे अभी जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। अब हमें अगर हमें कोई फाइल बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, टच हम यहाँ पे कर रहे थे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये देखिए अब इसके अंदर वो गिट में आएगा अभी ये फाइल, नहीं अभी नहीं, पुश करेंगे तब आएगा, वो भी दिखाते हैं, अभी ऐसे बना रहे हैं ना, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। हेलो, तो गिट जैसा कोई इसके पैरेलल या कोई इसका जैसा और कोई प्लेटफॉर्म है या नहीं? पैरेलल कुछ नहीं काम करता है, पैरेलल काम करेगा तो फिर आपका सिस्टम सिक्योर कैसे रहेगा? नहीं नहीं, सही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे गिट ने बनाया होगा, गिट का प्लेटफॉर्म है, ऐसे कुछ और किसी ने बनाया अल्टरनेटिव कुछ है ना? अब नहीं, अल्टरनेटिव, हां अल्टरनेटिव, ठीक है, गिट लैब है, गिट लैब है, ये कॉल मतलब सर्च करना, सिर्फ गिट सर्च करोगे तो बहुत सारा आ जाएगा। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है गिट है अवनीश, गिट जीआईटी, गिट को ऐसा सर जिट भी बोलता था, कुछ और कुछ भी बोलता था, जिट भी बोलता था कुछ, वर्जन कंट्रोल, हाँ वर्जन कंट्रोल, इसका यूज करके बहुत सारा ये कंपनी गुड़े कंपनी बस। तो और ये चीज बताओ कि जैसे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी, यहाँ पे अगर गिट स्टेटस किया तो आपको सारा दिख जाएगा कि आपने इस गिट रिपोजिटरी जो है उसको इनिशियल क्लोन करने के बाद नया क्या चेंजेस किया हुआ दिख जाएगा, ये जो भी रेड है वो सब नया मैंने चेंजेस किया है। अब उसको क्या करते हैं, गिट में ऐड करते हैं .py, अब अगर कर आपको तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, मेरे गिट में ये ऐड हो गया लेकिन ये ऐड भी नहीं हुआ, तो एक ये ऑप्शन है कि हम लाइन बाय लाइन ऐड कर रहे हैं ऐसे गिट एप डॉट पी वाई फिर गिट टेम्पलेट्स, और एक दूसरा ऑप्शन है गिट ऐड डॉट, इसे सारा जो भी होगा सब ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी जैसे कि गिट कैसा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कमिट करना होता है, उस कमिट के बेस पे ही सारा चीज काम, उस तो सिर्फ कोड दिखेगा वहां पे इंटरनेट पे, लेकिन कमिट ही सारा चीज काम करता है। उसके लिए हम मतलब अगर आप मतलब सुजय मैडम